सभी को हमारा नमस्कार आज के लेक्चर वीडियो में हम स्पीयरमैन का कोटी संबंध गुणांक स्पियर रैंक कोलेशन कॉफिशियट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपको कार्ल पियर्सन के संबंध गुणांक के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे स्पियर के की कोटी गुणांक के बारे में तो चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन नामक एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सन 1904 में व्यक्तिगत जो सीरीज़ होती हैं इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं उनमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए एक सिंपल मेथड का यूज़ किया था और उस मेथड का उन्होंने नाम दिया था रैंक मेथड। और यह जो रैंक मेथड है ये मेथड ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहाँ की जो तथ्य हैं वह तथ्य हम उन तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थियों की, की बुद्धि हो सकती है लोगों की सुंदरता हो सकती है स्वास्थ्य हो सकती है इस तरह के वो गुणात्मक तथ्य होते हैं जिनको कि हम प्रत्यक्ष रूप से संख्या में नहीं माप सकते हैं लेकिन उन तथ्यों को हम गुण के आधार पर एक क्रम हम उनको दे सकते हैं जैसे कि फर्स्ट रैंक दे दिया सेकंड रैंक दे दिया थर्ड रैंक दे दिया कि भाई जो विद्यार्थी अच्छी बुद्धि वाला है उसको हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं और जो कम बुद्धि वाला है उसको हम सेकेंड रैंक रैंक दे दें फिर उससे और कम बुद्धि वाला है तो उसको हम थर्ड रैंक दे दें इस तरह से हम उनको एक रैंक दे सकते हैं यानी उसको हम एक कोटिक्रम प्रदान कर सकते हैं तो ये जो हम कोटिक्रम प्रदान करते हैं रैंक देते हैं तथ्यों को उन रैंक के आधार पर ही स्पियरमैन ने कोरिलेशन को कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर हम को स्पिर में मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया है उसके बारे में हम समझेंगे देखिए ये एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि कोटि अंतर की विधि द्वारा एक्स और बाय के बीच सहसंबंध संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए दो सीरीज दी हुई है हमें एक्स सीरीज ये एक्स सीरीज दी हुई है एक सीरीज में डाटा दिए हुए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी टू ट्वेंटी एट थर्टी वन ट्वेंटी सिक्स थर्टी फाइव इसी तरह से बाय सीरीज़ में हमें डाटा दिया हुआ है सिक्सटीन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइनटीन एटीन ट्वेंटी 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 टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फाइव तो ये दो डाटा सीरीज़ दी हुई हमें एक्स सीरीज़ और ये बाय सीरीज़ इन दोनों सीरीज़ के बीच में हमें कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है और वह भी किस मेथड के द्वारा स्पियरमैन की जो रैंक मेथड है उसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे देखिए हमें जो दो सीरीज़ दी हुई है एक्स और बाय ये एक्स सीरीज और ये बाय सीरीज़ दी हुई है इस एक्स और बाय सीरीज़ को हमने इस तरह से कॉलम में अरेंज कर लिया एक्स सीरीज को लिखा और बाए सीरीज़ को लिखा तो एक्स सीरीज़ के भी जो पद मूल्य हैं जो वैल्यूज़ हैं वह हैं टेन इस तरह से यहाँ पर हो गया एन इक्वल टू टेन और यहाँ पर ये यह बाय सीरीज़ है ये बाय सीरीज़ की भी जो पद हैं पद मूल्य वह हैं टेन तो इन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से ये टेन हो गया ये दो, दोनों डाटा सीरीज़ को हमने इसमें अरेंज कर लिया एक्स सीरीज़ और बाय सीरीज़ को अब देखिए इसके बाद हम ये एक्स सीरीज़ में क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा पदमूल्य है उस पदमूल्य को हम वन नंबर देंगे अब इस पूरे डाटा सीरीज़ में सबसे बड़ा है थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव को हमने वन नंबर दे दिया उसके बाद थर्टी टू है तो थर्टी टू को टू नंबर दिया टू रैंक दिया फिर उसके बाद उससे छोटा है थर्टी थर्टी को थ्री नंबर अब उससे छोटा है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट को फोर रैंक दिया और उससे छोटा है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स को फाइव रैंक दे दिया फिर ट्वेंटी सिक्स से छोटा है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को सिक्स रैंक दिया इसी तरह से उसके बाद और छोटा वैल्यू है कौन सा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को हमने सेवन रैंक दिया ट्वेंटी फोर से छोटा है ट्वेंटी टू उसको हमने एट रैंक दिया और ट्वेंटी टू से छोटा है ट्वेंटी वन जिसको हमने नाइन रैंक दिया और सबसे छोटा है देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी को हमने टेन रैंक दिया इस तरह से इस डाटा सीरीज़ में सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको हमने वन नंबर दिया और उसके बाद में उससे जो छोटा है उसको टू नंबर दिया उससे और जो छोटा है उसको थ्री नंबर दिया इस तरह से इस डाटा सीरीज़ में सबसे बड़े अंक को एक नंबर और सबसे छोटे को सब उससे और कम नंबर देते गए इस तरह से हमने प्रत्येक जो छोटा अंक है उसको हम कम रैंक देते गए अब इसके बाद में देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे बाय सीरीज में ये बाय सीरीज में भी देखिए इसमें भी हम जो सबसे बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को वन रैंक देंगे ये देखिए यहाँ पर इस डाटा सीरीज में सबसे बड़ा है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को वन रैंक दिया फिर ट्वेंटी फाइव से छोटा है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को टू रैंक दिया फिर उससे छोटा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री को थ्री रैंक दिया उससे छोटा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू को फोर रैंक दिया और ट्वेंटी टू से छोटा है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन को फाइव रैंक दिया ट्वेंटी वन से छोटा है ट्वेंटी ट्वेंटी को सिक्स रैंक अब और ट्वेंटी से छोटा है ट्वेंट सॉरी नाइनटीन नाइन्टीन को सेवन रैंक दिया नाइनटीन से छोटा एटीन एटीन को हमने एट रैंक दिया इसी तरह से एट्टीन से छोटा है सिक्सटीन सिक्सटीन को हमने 9 रैंक दिया और सिक्सटीन से छोटा है फिफ्टीन फिफ्टीन को टेन रैंक दिया तो इस तरह से हमने बाय सीरीज़ में भी क्या किया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको वन रैंक दिया और उसके बाद में जो छोटा वैल्यू है उसको हमने रैंक टू दिया उसके बाद में थ्री दिया इस तरह से हमने इसमें रैंक दिया तो इस तरह से हम एक्स सीरीज और बाय सीरीज़ ये दोनों सीरीज में हम रैंक दे देते हैं अब इसके बाद इसके बाद देखिए ये एक्स सीरीज़ का रैंक है और ये बाय सीरीज़ का रैंक है इन दोनों के रैंक का हमने निकाला डिफरेंस डी डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई आर एक्स ये वाली वैल्यू आर वाई ये वाली वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो पहला डिफरेंस देखिए टेन माइनिस नाइन इक्वल टू प्लस वन इसी तरह से एट माइनिस टेन इक्वल टू माइनस टू सेवन माइनिस सिक्स इक्वल टू प्लस वन सिक्स माइनिस फाइव इक्वल टू प्लस वन थ्री माइनिस सेवन इक्वल टू माइनिस फोर टू माइनिस एट इक्वल टू माइनिस सिक्स फोर माइनिस फोर इक्वल टू जीरो इसी तरह से देखिए नाइन माइनिस टू इक्वल टू प्लस सेवन फाइव माइनिस सेवन सॉरी फाइव माइनिस थ्री इक्वल टू प्लस टू और लास्ट में देखिए वन माइनिस वन इक्वल टू जीरो तो इस तरह से हम एक्स एक्स सीरीज का जो रैंक है उसमें से हम माइनस करेंगे बाईस सीरीज के रैंक को तो हमें क्या मिलेगा डी वाली वैल्यू मिलेगी डिफरेंस निकालेंगे ये डिफरेंस मिल जाएगा और ये जो डिफरेंस आता है ये हमेशा इसको आप जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे जो योग आएगा ये हमेशा ज़ीरो होता है ये ज़रूर आप चेक कर करेंगे अब डी तो हमने निकाल लिया है इसके बाद में हम इसका निकालेंगे डी स्क्वेयर डी का डी स्क्वायर निकालेंगे तो वन का स्क्वायर वन हो गया टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो गया प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया प्लस वन का प्लस वन हो गया माइनस फोर का माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स का प्लस थर्टी सिक्स जीरो का जीरो और सेवन का स्क्वायर हो गया फोर्टी नाइन प्लस टू का स्क्वायर हो गया प्लस फोर जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया इस तरह से हमने इस डिफरेंस की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर किया तो डी स्क्वायर हमने ये निकाल लिया ये लास्ट वाला कॉलम में अब डी स्क्वायर जो हमने निकाला इस पूरे को हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा क्या सम समी स्क्वायर इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेल्व ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर की अब इसके बाद में स्पीयरमैन ने एक फॉर्मूला दिया है संबंध को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है उन्होंने इसको रो पढ़ते हैं कुछ किताबों में आपको इसकी जगह में आर भी मिल जाएगा ये पी नहीं है एक्चुअल में इसको रो पढ़ते हैं आर एच ओ बोलते हैं इसको रो ग्रीक वर्ड है ये रो इक्वल टू वन माइनस सिक्स सम डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन ब्रेकेट में एन का स्क्वेयर माइनस वन ये फॉर्मूला दिया है स्क्वेयर ने इस फॉर्मूला से हम सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट करेंगे अब यहां पर देखिए इक्वल टू वन माइनस सिक्स इंटू सम डी स्क्वेयेयर सम डी स्क्र की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था वन हंड्रेड ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू टेन जो कि टेबल में हमने आपको बताया था टेन मैंने जो डाटा सीरीज के जो पद दिए हुए हैं उनकी संख्या तो व थी कितनी टेन इसी तरह से ब्रैकेट में एन स्क्वेयर दिया हुआ तो एन स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी कितनी टेन का स्क्वेयर माइनस वन ब्रिकेट क्लोज कर दिया अब इसके बाद में देखिए इक्वल टू वन माइनस सिक्स का हम वन हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेल्व से इंटू करेंगे तो वह आएगा सिक्स हंड्रेड सेवन टू डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू थी टेन ब्रेकेट में हमने टेन स्क्वायर लिखा था टेन स्क्वायर का मतलब होता है टेन इंटू टेन इक्वल टू हंड्रेड हंड्रेड माइनस वन अब इसको चाहे तो और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम वन माइनस सिक्स सेवन टू डिवाइडेड बाय टेन ब्रेकट में ये हो जाएगा हंड्रेड माइनस वन इसका मतलब होगा नाइन्टी नाइन इक्वल टू वन माइनस सिक्स सेवन टू डिवाइडेड बाय टेन इंटू नाइन्टी नाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डबल नाइन जीरो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वन माइनस इस पूरे को आप सेवन हंड्रेड सिक्स सॉरी सिक्स हंड्रेड सिक्स सेवन सिक्स सेवन टू डिवाइडेड बाय डबल नाइन जीरो करें ये आपका आंसर आएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स सेवन अब इसको क्या करें वन में से इसको माइनस कर देंगे हम जब हम इसको वन में से वन माइनस करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स सेवन तो ये हमें मिलेगा आंसर जीरो पॉइंट डबल थ्री इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस सवाल में हमने जो सहसंबंध कैलकुलेट किया वह किया कितना जीरो पॉइंट प्लस में है ये प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री यानी जो एक्स और बाइस सीरीज के बीच में हमको कोलेशन कैलकुलेट करना था तो वह कोलेशन कितना प्राप्त हुआ हमको प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री और हम हमने आपको बताया था कि जब वैल्यू प्लस जीरो से जीरो पॉइंट टू फाइव के बीच में आएगी तो वह होगा निम्न स्तर का और जब जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट सेवन फाइव तक जो वैल्यू होगी तो वह कहलाएगा मध्यम स्तर का सहसंबंध तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है कोरिलेशन का वह कितनी वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट थ्री थ्री तो ये जो वैल्यू होगी ये ये बतलाती है कि एक्स और बाय इन दोनों श्रेणियों के बीच में मध्यम स्तर का से संबंध है तो इस तरह से आज की लेक्चर वीडियो में आपने समझा कि हम दो व्यक्तिगत श्रेणियों के बीच में स्पियरमैन की जो रैंक मेथड है उसके माध्यम से हम किस तरह से कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं